नमस्कार बंधुसकल किचन फ्लेवर्स बाय निवेदिता आपनलोक स्वागत जानाइछो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपनलोकर लगत शेयर करब बिचारिछो दालपुरी एटा रेसिपी। एटु स्पेशली एटा बिहारी रेसिपी है, खूब टेस्टी। तेनेहले बोलुक रेसिपी तो आपनलोकर लगत शेयर करो। भाल लागिले लाइक कमेंट करब, बेसि भाल लागिले शेयर करब। आरु नतुन बंधु बान्धवीसकले प्लीज चैनल तो सब्सक्राइब कर मोर हैते जड़ित हबले काखत थका बटन तो क्लिक कर दिब, तेतिया नतुन नतुन रेसिपी भिडिओ बिलाक मैं आपनलोकर लगत शेयर करब पारिम। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बिहारी रेसिपी, दाल पूरी की। बहुत ही डिलीशियस है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और नए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक करके रखिए, ताकि नई नई रेसिपी वीडियो में आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों मेरे किचन में। বন্ধুসকল, আজি ৰেচিপিটোৰ বাবে মই এক কাপ চানা দালি লৈছোঁ আৰু আগতে তিয়াই ৰখা নাই। দোস্ত আভি লিহে মানে এক কাপ চানে কি ডাল মানে ভিগোকে নহি ৰাখিহে, ডাইৰেক্ট ই ৱাশ কৰকে মানে আভি কুকাৰ মে ডালিহে। মই খুব ভালকৈ ধুই কুকাৰত দিছোঁ আৰু কুকাৰত যিটো কাপেৰে মই জোখ লৈছিলোঁ সেইটো কাপেৰে তিনি কাপ পানী দি দিম। দোস্ত যো কাপছে মানে ডাল কা মাপ লিয়া থা উচি কাপছে তিন কাপ পানী মানে কুকাৰ মে ডাল দিহে বইল কৰনে কে লিয়া হাফ টিস্পুন কৰকে নমক আৰু হালধি ডালিহে। আধা চা চামুচ জোখৰ নিমখৰ হালধি দিছোঁ আৰু আধা চা চামুচ তেল, হাফ টিস্পুন অইল। তেল দিলে চিটি মাৰোঁতে দাইলবিলাক বাহিৰ হৈ নাহে, সেইবাবে দিছোঁ। আৰু হাই ফ্লেমত তিনি চাৰিটা চিটি মৰাৰ পিছত এইখিনি নিজে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া পানীটো ড্ৰেইন হ'বলৈ দিম। দোস্ত दाल को मैंने तीन चार सीटी हाई फ्लेम में लगाया, फिर अच्छे तरह अपने आप प्रेशर निकल जाने के बाद मैंने अभी पानी ड्रेन होने के लिए रखी है। इधर ली है डेढ़ कप गेहूं की आटा और हाफ टी स्पून नमक। मैं डेढ़ कप गेहूं आटा लैस जो मैं रेगुलर खाऊँ और तक दी आधा सा चामुच निमख शुकानक मिला। इतना मैं पानी अलग अलग के दी एटा डो बनाम। दोस्तों धीरे धीरे पानी डाल के मैंने एक डो बनाऊंगी। डो ज़्यादा हार्ड या सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और आटार डो तो बेसि टान ढिला नक एनेक जोखत कर और इतना प्राय दस पंद्रह मिनट ढाक राखी थकने खूब भल बनबले। अभी डो को मैंने 15 मिनट्स के लिए रख दिया है कवर करके। और इधर देखिए दाल ठंडा हो चुकी है, या सब दालखिन ठंडा हो गल और इतना मैं ग्राइंडर कपर शुकानक पीसी लम। अभी ग्राइंडर कप में डाली है मैंने और सूखी से सूखा सूखा करके मैंने इसे ग्राइंड कर लूँगी और ये पानी बाद में मैंने करी बनाने में यूज़ करूँगी। और हे दालों पानी खी पे निदिब पीछे दाल सब्जी बनाते व्यवहार कर पड़े गति के राखी थलो। इतना पात्र मैं उलिया लैसो इतना मैं अकमान निमख स्वाद अनुसार और फ्रेश जीरा पाउडार दीम आधा चा चामुच। मन रखी आगते अकमान निमख व्यवहार करोस्त। अभी एक बाउल में मैंने ग्राइंड किया हुआ सूखा जो दाल है वो निकाल लिया, थोड़ी सी नमक दिया है एज पर टेस्ट और दे दी हाफ टी स्पून फ्रेश जीरा पाउडर। ध्यान रखिए नमक पहले भी यूज़ किया था, अच्छी तरह मिक्स करके रख दी मैंने वो। और इधर आटे को फिर एक बार मैंने मसल लिया है। आटाखिनि आको उलिया एबार ভালকৈ मैं खसी ললো और এতিয়া সৰু সৰু সাইজত मैं এনেকে লাডুবিলাক বনাম। ध्यान रखिब दाल पूरी पूरी है गति के साइज तो रुटिर समान नक। दोस्तों मैंने छोटे छोटे करके पेड़े बना ली है आटे से और अभी स्टफिंग के लिए मैंने रेडी की है। और ध्यान रखिए एक बात कि दाल पूरी के साइज़ बहुत ज़्यादा मत कीजिए बड़ा, ये पूरी के साइज़ बनाने से बहुत सुंदर रहते हैं देखने के लिए। मैंने इसे स्टफिंग भर ली, एनेक मैं स्टफिंग भरा ललो शुकान आटार सहार लनेक हाथे बहल सूखी आटा की मदद से मैंने ऐसे फैला लिया है, फिर हल्के हाथों से मैंने पूरी बना लिया। मैं कोमल हाथे अर्थात बेसि हेचा निदिया को मैं रुटी पूरीबाक बन लम। पुनः देखाई के स्टाफिंग उड़ाई सौक एनेक प्राय एक डेर चामुच सोमाय सीट हिसाब से भराब अपना सुविधा हुआको और एनेक बन कर शुकान आटार सहार लगे कोमल हाथे अर्थात बेसि नेहेचाको पूरीबाक बन लब। दोस्तों मैंने फिर दिखा है कैसे मैंने स्टाफिंग भर के पूरी बेल ली है, सभी पूरी मैंने ऐसे बना के रख लूँगी। और ये रेसिपी तो बंधुसकल आपनलोके ट्राई करि साबो, खूब टेस्टी है। और आपनलोके आचार और सस जेर लगते भाल पाए ट्राई करि साबो, खूब भाल लगे।
এতিয়া মই এখন পেন গৰম কৰিলোঁ। গৰম কৰি ৰুটিবিলাকৰ দুইটা ছাইড সামান্য সেকি ল'ম। দোস্তো এক পেন মানে গৰম কৰিলি হে তাৱা, আৰু উচকে বাদ ষ্টাফিং কিয়া হোৱা ৰুটি কো পুৰি কো বোথ ছাইড মানে থোৰা সেক লি, আৰু আভি ইয়ে ফ্ৰাই কৰোঁগি মাষ্টাৰ্ড অইল মে, কিউকি ইয়ে ৰেচিপি মে মাষ্টাৰ্ড অইল মে হি ফ্ৰাই কৰতে হে। এতিয়া চক মই সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰিলোঁ, খুব ভালকৈ গৰম কৰি ল'ব। তাৰপিছত এখন এখনকৈ সেকি লোৱা পুৰি ভাজি যাব। আৰু এইটো ৰেচিপিত যিহেতু সৰিয়হৰ তেলে ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে মই তাকে কৰি দেখাইছোঁ। খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ, খুব ধুনীয়া যেতিয়া কালাৰ হ'ব তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি ৰাখিব। দোস্তো আচ্ছি তৰে ফ্ৰাই কৰণে কি বাদ এক এক কৰকে মেনে সবি কো চেকা হোৱা পুৰি মেনে এছে মাষ্টাৰ্ড অইল ফ্ৰাই কৰকে নিকাল লুঙ্গি বন যায়গে হামাৰি ডেলিচিয়াছ ডাল পুৰি। देखिए मैं दिखा रही हूँ, ऐसे पहले मैंने सभी पूरी को सेक लिया था, उसके बाद मैंने मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर ली। दाल पूरी बहुत ही डिलीशियस होती है खाने में, और आप लोग अचार सॉस जिसके साथ आप लोग पसंद करते हैं आप लोग सर्व कर सकते हैं। और ये गरम में जितना अच्छी लगती है, ठंडा होने के बाद भी बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। ये मैंने दिखाई है अच्छी तरह, স্টাফিং ফেল গিয়া থা ইয়ে মে আচার কে সাথ আপলোগোকো ভি দে রহি হুঁ। বন্ধুসকল ট্রাই করে সব, খুব ধুনিয়া রেসিপিটো আজি লৈ আহোঁ।